वेलकम टू श्योर इलेवन प्रिडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैच नंबर 49 आईपीएल का दोस्तों 2018 15 मई को मैच खेला जाएगा। 8 बजे ईडन गार्डन कोलकाता से लाइव होगा दोस्तों ये मैच। मैच खेला जाएगा केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। पिच जो है काफ़ी अनुकूल होगी बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए भी, तो टारगेट इस पिच पे हो सकता है 160+ दोस्तों, क्योंकि बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है और बैटिंग में काफ़ी मदद करती है, कई सालों से देख रहा हूँ। तेज गेंदबाजी के लिए भी काफ़ी अच्छी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि तेज गेंदबाजों को काफ़ी हेल्पफुल होती है पिच दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि केकेआर और राजस्थान दोनों में से अगर कोई भी मैच हारता है दोस्तों तो ऑलमोस्टली वो आईपीएल से बाहर हो जाएगा, क्योंकि टेबल में अगर देखा जाए उनकी रैंकिंग तो चौथे और छठे की टीम है, छठे नंबर की टीम है। वहीं पर आप कीपर में दो प्लेयर आपको मिल जाते हैं, जॉस बटलर लोकेश राहुल। जैसे कि जॉस बटलर जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, लास्ट 6 मैचों में कंटिन्यूसली 650 मार चुके हैं। वहीं पर दिनेश कार्तिक भी लास्ट मैच में 23 बॉल पर 150 मार के अपनी टीम को मैच जिताया था और अपने आप को लीग से बाहर होने से बचाया है। वहीं पे दोनों भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों, आप दोनों में से किसी को भी अपने टीम में रख सकते हो। दोनों भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने अपने टीम के लिए, तो डेफिनेटली आप दोनों को अपने अपने टीम में रख सकते हो दोस्तों। अब बैटिंग लाइनअप पर नज़र डाल लेते हैं। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिएगा। और मेरा वीडियो रन करके मत देखिए दोस्तों, कोई भी पॉइंट अगर मिस होता है तो आपके प्लेयर बैठ सकते हैं। नीतीश राणा, रॉबिन उथप्पा, अजिंक्य रहाणे, क्रिस लिन, संजू सैमसन, ये 5 बैट्समैन डेफिनेटली खेलेंगे दोस्तों। इन 5 में से अकॉर्डिंग टू योर टीम आप 3 से 4 5 जितने भी बैट्समैन अपने टीम में रखना चाहो रख सकते हो। अदर देन इनके सिवा कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं तो उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, जिससे हमारी टीम बैलेंसिंग हो जाए। अगर हमें उनमें से कोई प्लेयर नीचे तो शुभमन गिल डेफिनेटली खेलेंगे, उन्हें भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। काफ़ी अच्छे होनहार खिलाड़ी, अंडर 90 के लिए खेलते थे ये, लास्ट ईयर जो अंडर 90 जीता है इंडिया ने उसमें काफ़ी सारा रन मारा था इन्होंने, और बैटिंग इनकी काफ़ी अच्छी है तो इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। अदर देन इनके और कौन से ऑप्शन मिलते हैं वो भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, जिससे हमारी टीम बनने में काफ़ी ईजी हो जाए। स्टुअर्ट बिनी थोड़ा रिस्की हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जो टीम है वो वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस कर सकती है, तो मे बी इनको बैटिंग लाइनअप में श्रेयस गोपाल की जगह लाया जा सकता है टीम में, तो ये रिस्की हो सकता है, आपको इनको लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ऑलराउंडर में नज़र डाल लेते हैं, इंद्रे रसल और सुनील नारायण दोनों डेफिनेटली अपने अपनी टीम के लिए खेलेंगे और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। लास्ट मैच जीतने का कारण यही दोनों थे, इंद्र रसल ने 3 विकेट चटकाई थी, वहीं पे सुनील नारायण ने 75 रन की पारी खेली थी, तो दोनों डेफिनेटली खेलेंगे। वहीं पर बेन स्टॉक और कृष्णप्पा गौतम राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे दोस्तों। दोनों ऑलराउंडर स्टार्टिंग के प्लेइंग 11 से खेल रहे हैं, अभी तक कोई मैच में इनको ड्रॉप नहीं किया गया। दोनों भी वो लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो लेवल पर इनसे उम्मीद की जा रही है। हालांकि जॉस बटलर ने अभी एट द एंड ऑफ द सीरीज आके फॉर्म में काफ़ी अच्छे रन बना रहे, जिसके कारण राजस्थान रॉयल्स सारे मैच जीत रही है, तो डेफिनेटली दोस्तों इन दोनों को भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। उसके अब ऑलराउंडर की बात खत्म हो गए दोस्तों, अब आते हैं हम बॉलिंग लाइनअप पे। बॉलिंग लाइनअप में देख सकते हो जोफ्रा आर्चर, जयदेव नक्कड़, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, ये 5 गेंदबाज डेफिनेटली कल के मैच में खेलेंगे दोस्तों। आप इनमें से 3 4 5 अपने टीम में रख सकते हो, जैसी भी आपको टीम बनानी हो चाहे दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू योर टीम आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदर देन इनके और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, जिससे आपकी टीम बनने में काफ़ी ईजिली और बैलेंसिंग हो जाए। जीवन सल्स को लास्ट मैच में मौका मिला था, काफ़ी अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी नसीब है दोस्तों ड्रीम इलेवन इनको बॉलिंग के लिस्ट में रखा है, तो डेफिनेटली ये मेरे चॉइस हो सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी बैटिंग करते, लास्ट मैच में देखा होगा आपने इन्होंने 1 बॉल पे 6 मार दिया था, लास्ट बॉल जो इन्होंने खेला था 6 रन बनाया था, 600 का स्ट्राइक रेट था इनका, तो बैटिंग भी अच्छी और गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज जो लीग हुआ था टूर्नामेंट उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जीवन सल्स को मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ दोस्तों, एक अच्छे प्लेयर है, इनको चांस नहीं मिल रहा केकेआर में, और जिस दिन मैंने कहा था डेफिनेटली उसी मैच में इनको चांस मिल गया था दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो डी शॉट, श्रेयस गोपाल, धवल कुलकर्णी, आईएसओडी, इन चारों में से कोई 2 प्लेयर खेलेगा दोस्तों, ये चारों भी रिस्की हो सकते हैं। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो, हेड टू हेड लीग खेलते हो, या 10 से 15 20 लोगों में खेलते हो और ज़्यादा अमाउंट वाला खेलते हो या ज़्यादा पैसे लगा के खेल रहे हो दोस्तों, तो आप इन चारों में से किसी को मत लीजिएगा अपने टीम में, क्योंकि ये चारों भी रिस्की हो सकते हैं कल के मैच में, कोई भी बैठ सकता है दोस्तों, तो इन चारों को भी मत लीजिएगा। डी शॉट भी खेल सकते हैं, आईएसओडी भी खेल सकते हैं फॉरनर प्लेयर में, वहीं पे श्रेयस गोपाल, धवल कुरनी, इन दोनों में से भी कोई भी बैठ सकता है, स्टुअर्ट बिनी भी आ सकते हैं टीम में, तो थोड़ा रिस्क लेना होगा। अदर टीम में आप रिस्क ले सकते हो। अब यहाँ पे हम अपने एक सेफ प्लेइंग 11 देख लेते हैं दोस्तों, किस तरह से बनेगा, कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास अगर हम सेलेक्ट करना चाहें अपनी सेफ प्लेइंग 11। तो मैं उससे पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। जैसा कि मेरे दोस्त मेरे कलीग काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन दे रहे हैं एनबीए और फुटबॉल का, तो यहाँ पे हम हर मैच का प्रेडिक्शन नहीं देंगे एनबीए और फुटबॉल का, क्योंकि हमें जिस मैच पे थोड़ा श्योरिटी होगी 90% हम श्योर होंगे वही टीम आपको देंगे दोस्तों। तो प्लीज़
आप हमारे सारे वीडियो को देखिए दोस्तों। अगर आप हमारे सारे वीडियो को देखते हो दोस्तों तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिसके कारण हम कई सारे वीडियोस आपको बना के देंगे। और हम इस यहाँ पे देख सकते हो मेरी प्लेइंग 11 में जॉस बटलर, संजू सैमसन, सुनील नारायण, शुभमन गिल, नितेश राणा, एंड्रे रसल, बेन स्टॉक, जोफ्रा आर्चर, जयदेव नक्कर, पीयूष चावला, जीवन सर्स। यहाँ पे पॉइंट का थोड़ा दोस्तों कम पड़ सकता है, उसे मेंटेन करने के लिए आप शुभमन गिल और जीवन सर्स को ले सकते हो, दोनों 8 क्रेडिट पॉइंट्स के, तो यहाँ पे आपकी टीम बैलेंसिंग हो सकती है। और अदर देन ऑलराउंडर पे अगर आप नज़र डालते हो तो काफ़ी हाईली क्रेडिट प्लेयर है, क्रेडिट मेंटेन करना थोड़ा टफ पड़ सकता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट भी टीम मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारे जो हम जिस प्लेयर को चाहते हैं उसे टीम में नहीं ले सकते, क्योंकि क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ड्रीम इलेवन में। वहीं पे अगर कंपेयर करें तो क्रिकिया मैंने अपलोड किया दोस्तों, वहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने डाउनलोड कर लिया दोस्तों तो वहाँ पे देख सकते हो जो क्रेडिट पॉइंट्स है, अच्छे अच्छे प्लेयर को 7 क्रेडिट में दिया गया है, 8 क्रेडिट में, तो आप 100 क्रेडिट में अच्छे प्लेयर उसमें ले सकते हो आप इजली। लेकिन अभी वो इतना फेमस नहीं हुआ है क्रिकिया, और वहाँ पे जो लोग खेल रहे हैं वो मे भी उनके ही लोग होंगे, क्योंकि 300-400 लोग का लीग फुल नहीं हो रहा है, यहाँ पे 9-9 लाख लोगों का लीग फुल हो जा रहा है दोस्तों। तो अदर देन इनके सिवा और कौन कौन से प्लेयर आप शामिल कर सकते हो अपने 11 में, वो भी एक दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे काफ़ी एनालाइज करनी है और डेटा एनालाइज करनी है तो आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अदर देन वो जो मैंने 11 बताया था, उनके सिवा और कौन से एडिशनल प्लेयर को ले सकते हो आप, दिनेश कार्तिक को एक टीम में इंट्रोड्यूस करा सकते हो, क्रिस लिन, अजिंक्य रहाणे, रॉबिन उथप्पा, धवल कुलकर्णी, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, वो 11 और ये 8, तो कितने हो गए टोटल 19 प्लेयर। 19 प्लेयर में से आपको 11 अपने बनाने दोस्तों, जो एकदम सेफ है आपके लिए, स्मॉल लीग में आप खेल सकते हो इनको लेके, हेड टू हेड लीग में 10 से 15 लोगों की लीग में लेके खेल सकते हो। डेफिनेटली आपका कोई प्लेयर नहीं बैठेगा, अगर सडन इंजरी हो जाती है तो मे भी कोई बैठ सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, जिसके कारण कोई भी अपडेट हो हम आप तक पहुँचा सके आप हमारे डिस्क्रिप्शन के जरिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, नोटिफिकेशन बेल ऑन रहता है, तो दोस्तों अगर हम कुछ भी अपडेट करते हैं तो आप तक वो पहुँच जाएगा, तो ये इजी होगा दोस्तों हमारे मैसेज को आप तक पहुंचाना, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकता है इस मैच में। यहाँ पे मैं आपको ओपन चॉइस दूंगा दोस्तों, फिर उसके बाद आप सिलेक्शन का काम आपका है, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं कल के मैच में। जॉस बटलर, नितेश राणा, संजू सैमसन, रॉबिन उथप्पा, अजिंक्य रहाणे, इंद्रे रसल, बयान स्टॉक, सुनील नारायण, जोफ्रा आर्चर। मैंने यहाँ पे अगर मुझे सेलेक्ट करना तो मैं पहले रखूँगा सुनील नारायण को, फिर उसके बाद मैं रखना चाहूँगा जॉस बटलर, बेन स्टॉक, एंड्रे रसल, जोफ्रा आर्चर और नितेश राणा को, ये सारे मेरे फर्स्ट चॉइस होंगे। और रॉबिन उथप्पा को इसलिए ले रहा हूँ काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है उनको, तो मे भी वो कल के मैच में परफॉर्म करना आप चालू कर दे अपनी टीम के लिए, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों। तो ये इस तरह से आपको ये कल के मैच के कैप्टन वाइस कैप्टन आपके टीम के हो सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए, छोटे लीग के लिए, इवन ग्रैंड लीग में भी आप इनको रख सकते हो। अब ग्रैंड लीग ट्रिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ग्रैंड लीग ट्रिक में दोस्तों मैंने उन प्लेयर को नॉमिनेट किया है, आपको इन प्लेयर की टीम नहीं बनाना है, इनको आप एक सेफ प्लेइंग 11 में आपको इनको रखना है, कैप्टन है, वाइस कैप्टन का रोल देना है। तो उसमें बेन स्टॉक पहले नॉमिनेट करता हूं मैं, दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे, धवल कुलकर्णी, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, जीवन सर्स। यहाँ पे डी शॉट पे मुझे अभी भी डाउट है दोस्तों, मे बी वो कल के मैच में बैठ सकते हैं या उनकी जगह आए सोडी भी आ सकते हैं, मे बी वो खेल सकते हैं, तो लिटिल बिट चांस ऑफ प्लेस लिए मैंने उनको येलो एरो में बता दिया, जो भी रेड एरो से मैंने दिखाया थे वो सारे सेफ प्लेयर थे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कलरिंग के द्वारा बताता हूँ आपको, हिंट देता हूँ कि कौन से प्लेयर पे रिस्क हो सकता है, कौन से प्लेयर हाईली रिस्क हो सकते हैं, लिटिल बिट चांस ऑफ प्ले कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर सेफ लीग बनाते हो तो उसमें डी शॉट को मत लीजिएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा मेरे कलीग काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन दे रहे हैं फुटबॉल का, NBA का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट।